खसरा रूबेला का टीका लगते ही एक दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए बीमार। लखीमपुर खीरी में खसरा रूबेला का इंजेक्शन लगने से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को मितौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बच्चों की हालत बिगड़ने की खबर से स्वास्थ्य अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल मितौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर में टीकाकरण अभियान चल रहा था, जहां खसरा रूबेला से बचाव के इंजेक्शन बच्चों को लगाए जा रहे थे। अचानक बच्चों ने सिर दर्द की शिकायत की और एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद टीकाकरण की टीम भी घबरा गई। आनन फानन में स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। इसी दौरान बच्चों के परिजन भी बड़ी संख्या में स्कूल आ पहुंचे। परिजनों का कहना है कि टीका लगने के बाद उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि बच्चों की तबीयत ठीक है, बच्चे घबरा गए हैं। पूरे मामले पर वह नजर बनाए हुए हैं। लखीमपुर खीरी से अनूप कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कैसा टीका लगा? अच्छा, टीके से बीमार हो गई है? अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं आप? ले जा रहे हैं। चलो चलो ठीक। कैसे क्या हुआ, ये बच्चे कैसे बीमार हुए, क्या है? टीका लगाए नहीं है, वह नहीं बीमार सब है। टीका लगने से हुआ है? टीका लगाई। कौन टीका लगाया? अब यह स्कूल वाले लगाई। कितने बच्चे होंगे? लगभग 50 बच्चे हुए हैं। एक दर्जन बच्चे बीमार होके आए हैं, क्या कारण है, क्या है? एक्चुअली मदारीपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को टीके लगाए गए थे, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि उनको चक्कर आ रहा है, तो उन बच्चों को हमारे डॉक्टर साहब, अधीक्षक साहब वहाँ जा करके यहाँ पर लेके आ गए। लेकिन मूल बात ये रही कि जो बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, अन्य बच्चों को भी देखने को मिला, जो देख करके बच्चे जो डर गए, और कुल मिलाकर के वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। मैंने सारे बच्चे अपने आप देखे हैं अस्पताल में, न किसी के कोई दाने हैं, न कोई रिएक्शन हुआ है, बस बच्चे डर गए। कितने बच्चे हैं सर? 12 या 14 बच्चे हैं इस समय, और सभी ठीक हैं, सबको डिस्चार्ज करने वाले हैं। क्या कारण रहा है सर? इसमें कोई अगर रिएक्शन तो है नहीं, किसी वैक्सीन का रिएक्शन होता है तो उसमें दाने निकलते हैं, बच्चे गैर होश हो जाता है, मुँह से झाग आते हैं, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। केवल बच्चों में केवल डर और सर दर्द की शिकायत हुई। बच्चे ये बता रहे हैं अधिकतम सब सर में दर्द होता है, आधे घंटे बाद मुझे सर में हेडेक हुआ। अब बच्चों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल सामान्य बच्चे, और हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं।